रेडी चैनल मैन, दिस इज डन लर्न, यू आर वॉचिंग जनरल्स यूनिक ब्लॉग। ओके सो गाइस, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जॉइंट फिल्म्स के एकेडमी में। आप ये देख सकते हो, अभी मैं जॉइंट फिल्म्स के इंस्टीट्यूट के बाहर ही खड़ा हूँ। जॉइंट फिल्म्स के फाउंडर वीरेंद्र राठौर जी से भी मिलवाता हूँ आप, और उनसे जानते हैं एक्टिंग के बारे में, आप एक्टिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो उनसे मिलकर जानते हैं वो सबके बारे में। सो चलो चलते हैं, देखते हैं अंदर, और आपको पूरा इनके एकेडमी का टूर भी देता हूँ। So guys, keep watching the full video and let's move on to the vlog. ये कुछ आप देख सकते हो, ये अंदर का लुक है, ये पूरा ऑफिस का एरिया है। अभी चलते हैं वीरेंद्र सर के ऑफिस में और उनसे मिलते हैं। कैसे हो? कैसे जनरल? बहुत बढ़िया सर। ये चैनल भाई मैं बहुत देखता हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करता है। वीरेंद्र राठौर सर जी, सर वेलकम मेरी चैनल पर। बहुत अच्छा काम करो। थैंक यू। मैंने आपके व्लॉग्स देखे। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये न्यू कमर्स या यंग एज के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं। एक्चुअली जो क्रिएटिव वर्ल्ड है ना, नए लोगों पर बहुत डिपेंड है। हाँ बराबर, क्योंकि पुराने लोग ना पक चुके हैं। काम करो, बहुत अच्छा करो। तो हाँ, स्टार्टिंग में मैंने पूरा एकेडमी भी दिखाया, और आपके जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है, सब लोग बन चुके हैं क्रिएटिव यहाँ पर आकर। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, मतलब कौन से कोर्सेज अवेलेबल है? जॉइंट फिल्म ने सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो ऑनलाइन कोर्सेज की थी। अच्छा, मीडिया में ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल थे। किसी को भी अगर एक्टिंग करनी है, राइटिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, फिल्म मेकिंग करनी है, तो वो क्या सोचता था, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे लगा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सीखने से ज्यादा कॉस्ट है उसके आने की, जाने की, रहने की। मुझे ऐसा लगा अगर वो अपने शहर में अपने घर पे सीख ले तो ज्यादा ईजी हो सकता है, ज्यादा सस्ता हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। बराबर। तो हमने ऑनलाइन कोर्स शुरू किए। अच्छा, तो ऑनलाइन कोर्स में वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। ओके, सभी चीजों में, सिंगिंग में, एक्टिंग में, फिल्म मेकिंग में। ओके, वीडियो कोर्स अवेलेबल है जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। ओके ओके, और उसको वो मोबाइल पे एक्सेस करके, लैपटॉप एक्सेस करके सीख सकते हैं, और उससे आज लोग काम भी कर रहे हैं। सेम है ऑनलाइन लाइव क्लासेस। ऑनलाइन लाइव क्लासेस अवेलेबल है एक्टिंग पे, सिंगिंग पे, और फिल्म मेकिंग पे, राइटिंग पे। और सबसे बड़ी बात जो यूनिक कॉन्सेप्ट जॉइंट फिल्म्स लेकर आया, जैसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है सारी यंग ऑडियंस। हमने क्या करा कि एक्टर एक्टिंग नहीं सिखाएगा। अच्छा, एक फिल्म मेकर एक्टिंग सिखाएगा। ओके, क्योंकि चुनता कौन है? फिल्म मेकर, डायरेक्टर। हाँ डायरेक्टर, क्योंकि मैं खुद एक डायरेक्टर हूँ, फिल्म मेकर। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बनाया कि जो चुनता है वही सिखाएगा। बराबर। मेरे यहाँ कोई भी ट्रेनर, मेंटर, टीचर है जो वो एक्टर नहीं है। अच्छा, वो डायरेक्टर है, फिल्म मेकर। ओके ओके, ऐसे सिंगिंग कौन सिखाएगा? म्यूजिक डायरेक्टर। ओके ओके, सिंगर नहीं सिखाएगा। राइटर क्या सिखाएगा? जो राइटर काम कर रहा है, जैसे कि हमारे श्री विनय सालियन है जॉन होम्स की, वो आज विक्रम भट्ट के साथ उन्होंने जो अपने हैक फिल्म देखी, ट्विस्ट देखा, जिंदाबाद देखा, उनकी लिखी हुई है, वो सिखाया। तो सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हम लेकर आए, इसलिए हमें इतना प्यार मिला। और आपके चैनल से भी जो लोग जुड़े, अगर क्रिएटिव वर्ल्ड में आना चाहते हैं तो आपके लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल है। मुंबई में आ सकते हैं तो फिजिकल क्लासेस हैं, नहीं आ सकते तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस हैं, और अगर आप सिर्फ एक स्टार्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। और आपको लगता है कि आप अपने प्रोफेशनल एकदम फिट है, अच्छा, जस्ट आपको करियर गाइडेंस चाहिए, तो हमारा नंबर है 8433666618 पर आप कॉल करके सिर्फ गाइडेंस ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बहुत। और सबसे बड़ी बात एक और बताओ, पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, कि यार ये कुछ अलग वर्ल्ड में जा रहा है, बच्चा बिगड़ गया है। मिडिल क्लास फैमिली वाले रहते हैं, उनको आगे की सोच की रहती है, तो उनको क्या लगता है जॉब होगा तो बच्चा सेटल होगा, नहीं तो बच्चा बिगड़ गया है बॉलीवुड। तो हमने क्या करा, मंथ में एक बार मैं फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप लेता हूँ। ओके ओके, सिर्फ पेरेंट्स के लिए। ओके क्योंकि अभी डार्क साइड तो बता रहे हैं, ब्राइट साइड को नहीं बता रहा बॉलीवुड का। तो मैं माँ बाप से सीधे बात करता हूँ। अच्छा, और अभी तक जरूर आपको जान के अच्छा लगेगा, आपकी ऑडियंस को भी, 816 पेरेंट्स, मैं नंबर्स बोल रहा हूँ, 816 पेरेंट्स मेरे से कन्विंस हुए हैं कि हाँ मेरे बच्चे को बॉलीवुड में। बहुत अच्छा है।
तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, तो वो मतलब वो फिर वर्कशॉप का एक्सेस कहाँ से मिल सकता है लोगों को? कहीं से भी, इसी नंबर पे अगर वो कॉल करे okay. या आप अपने चैनल पे एक लिंक में आपको हाँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपके ये भी बता दूं कि अगर इनके चैनल के थ्रू आप आएंगे हाँ, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके ओके हाँ, तो लिंक मिल जाएगा गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में। सर मतलब जो यंगस्टर्स है आज के, तो वो ये फील्ड में आना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कैसे आना है, तो वो मतलब वो डायरेक्ट जाकर ऑडिशंस दे या फिर पहले उनको एक्टिंग सीखनी चाहिए? ओके देखो, मैं खासतौर से आपकी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा, हाँ अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो, भले आप एक्टर बनना चाहते हाँ। हो, सिंगर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म में कुछ भी करना चाहते हो, हाँ। एक बार आप ज्वाइन फिल्म चैनल के सारे वीडियो देख लीजिए, हाँ। आपको 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, 2000 से ऊपर वीडियो अवेलेबल बराबर हाँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट है हाँ। उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग नॉलेज आ जाती है हाँ। आप भी जानते हो कि डिसीजन इजी हो जाता है, तो आप पहले चैनल देखें, उससे आपको गाइडेंस तो प्रॉपर मिल जाएगी और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद भी लगे तो जो बॉलीवुड का हेल्पलाइन नंबर हमारा है 8433666 वहाँ पर कॉल कर सकते हैं हाँ। तो सर मतलब ऑडिशंस भी देने जाते हैं, तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा लोगों को कि ऑडिशंस यहाँ पर हो रहे हैं, ये जगह पर हो रहे हैं? ओके, तो इसके लिए दो चीज़ें आप कर सकते हैं। जॉइंट फिल्म्स का ऐप है, मैं लिंक दे दूँगा। ओके हाँ, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन देगी। ओके, दूसरा तरीका है आप फेसबुक पे जाके ओके कास्टिंग कॉल या ऑडिशन करके सर्च करें। ओके 250 प्लस ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे ऑडिशन की पोस्टिंग होती है। ओ अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आप देख लें हाँ हाँ। इसके अलावा क्या करें, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेजेस और उनको ज्वाइन कर लें। ओके करेक्ट, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आएगा हाँ हाँ। इसमें एक चीज जो बचना पड़ेगा, फेक ऑडिशन, फेक बहुत होते हैं इसमें, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, सिक्योरिटी हाँ, के नाम पे, पैसे लेते कार्ड के नाम पे, पोर्टफोलियो के नाम पे कभी भी किसी को पैसे नहीं दे, प्लीज ना दे। तो मतलब जो ऑडिशंस होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ओके हाँ। भाई मैं प्रोड्यूसर हूँ हाँ। मैंने आपको एक्टर लेना है हाँ। मान लो मैं आज कम से कम भी 50 लाख रुपए तो लगा रहा हूँ हाँ, बराबर, तो मैं आपसे 500 रुपए क्यों मांगूंगा? वही सही, कोई फर्क नहीं मांगे हाँ। मैं आपसे क्यों बोलूंगा पोर्टफोलियो लाओ हाँ। अगर आप मुझे पसंद हो तो पसंद हो, और नहीं पसंद हो तो 5 लाख का पोर्टफोलियो करा लो हाँ। मुझे आप फिर पसंद नहीं नहीं हो हाँ, कोई मतलब नहीं हाँ, बराबर, तो ऑडिशन के पैसे नहीं लगते हाँ हाँ करेक्ट। तो सर अभी आपके इंस्टीट्यूट में लोग ज्वाइन कर लेंगे तो उनको प्लेसमेंट मिलेगी, ये पक्का ही है यहाँ से? गारंटी, अगर हाँ, डिस्क्लेमर, जो रूल मैं बता रहा हूँ उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ काम मिलेगा। अच्छा मैं गारंटी देता हूँ, और ये इस भरोसे की वजह से बोल रहा हूँ कि आज फिल्म इंडस्ट्री में, मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ हाँ, भोपाल शहर से हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। आज इस फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया था। ओ, आज आप ऑफिस देख ही रहे हो, बहुत आलीशान। 2001 में मैं आया था। अच्छा, और ऐसे एक ऑफिस नहीं हाँ, ऐसे हमारे 3 ऑफिस हैं। अच्छा, मुंबई में? मुंबई में। ओ, है ना, 3 ऑफिस हैं ऐसे। अच्छा, और 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो जॉइंट फिल्म बहुत बड़ी एक कंपनी है हाँ। तो आज इस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया, इसी वजह से मुझे लगा कि मैं कोई और सोशल वर्क तो कर नहीं पाऊंगा। बराबर बराबर, तो मैं ये शेयर करता हूँ नॉलेज की काम कैसे मिलता है। वो तक है इंडस्ट्री में, अगर किसी से पूछो आप सक्सेसफुल कैसे हुए तो बोलता मैंने बहुत स्ट्रगल किया, वही मैं लकी है, मैं लकी था एक्चुअली, मैंने बहुत, मेरे को टैलेंट था मेरे अंदर हाँ। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, आप सही दिशा में सही तरीके से अप्रोच करो, आपको काम मिलेगा, डायरेक्शन मिलनी चाहिए सही से उनको, तो काम सबको मिलेगा। प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है, मैं आपको लेता हूँ, मैं वो फंडे बताता हूँ, वो स्ट्रेटेजी बताता अच्छा, हूँ जिससे काम मिलता है। ओ अच्छा अच्छा हाँ, हाँ। काम जैसे मिलता है मैं सब सिखाता हूँ। बराबर, और इसीलिए आज जॉइन फिल्म्स के सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ओ, बराबर हाँ, इसी वजह से आज हमें 1.5 साल हुआ एकेडमी में। ओ हाँ हाँ, 1.5 साल में अगर आज जॉइन फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट बालाजी में काम करें हाँ, राज में काम करें या जौहर के यहाँ काम करें हाँ, हाँ। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम, बराबर, उसकी वजह है कि हमने क्लियर प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, बराबर बराबर है ना। और ये अकेली एकेडमी ऐसी कि अगर आपने कोर्स कर लिया हाँ और आपको काम नहीं मिल रहा, आप मेरे पास आओ, मेरी अच्छा, टीम के पास आओ, मैं गाइड करूंगा। ओके, मैं सिंपल बोलता हूँ, मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाता या मैं कोई और प्रोफेशन, मैं सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बनाता हूँ। अच्छा हाँ, हाँ। सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बन गया हाँ, फिर सब कुछ हो जाएगा। मुझे एक्टर नहीं बनाना, लोगों को तो ये गुड लुक्स होने अच्छा चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये जरूरी है। अच्छा, मेरा गुड लुक है क्या? हाँ, अभी बोल सकते हो गया वो अच्छे, अभी तो अच्छे नहीं, उसको हाँ बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ऑडिशन पार्ट कुछ बोलूँ तो मेरा एवरेज लुक है, गुड लुक नहीं, क्योंकि गुड लुक होता तो मैं खुद की फिल्म जब प्रोड्यूस करता हूँ, वेब सीरीज प्रोड्यूस करता हूँ तो खुद ही हीरो बन जाता है, गुड लुक नहीं। लेकिन हर लुक के लिए, हर पर्सनैलिटी, हर एज ग्रुप के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम है।
बराबर फिल्म देखने जाते हो क्या आपको सारे लोग नहीं देखते? सब देखते हैं। क्या राजकुमार राव हीरो नहीं है? हीरो है। क्या नवाज हीरो नहीं है? क्या इरफान साहब हीरो नहीं थे? क्या नसीर साहब नहीं थे? हर एरा में लोग रहे हैं जिन्होंने भी अपने टैलेंट को साबित किया, प्रूफ किया। हाँ हाँ। आपको टैलेंट प्रूफ करना पड़ेगा। बराबर है। बस उतनी सी बात है, पर्सनालिटी सब चलती है। हाँ। क्या आज से 5 साल पहले हम सोच सकते थे कि राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, मैं आपको बताऊं 2019 की मेरी एक केस स्टडी है। अच्छा। 5 ऐसे बड़े हीरो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया शाहरुख खान से भी ऊपर। अच्छा। राजकुमार राव, अच्छा, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, कार्तिक आर्यन, ये वो हैं जो गुड लुक सुन वाले नहीं। अच्छा। ये वो जो हैं ट्रेडिशनल हीरो की तरह दिखते नहीं है। Even, इनका स्टारडम उस लेवल का नहीं है जो बराबर है, लेकिन हाईएस्ट ग्रोसर 2019 के हीरो। अच्छा, करेक्ट। तो मतलब जिनका अच्छा लुक्स भी नहीं होता है उनके लिए भी कोई ना कोई रोल रहता है, मिल ही जाता है। टैलेंट, अगर टैलेंट इंपॉर्टेंट है, आपको काम आता है। हाँ। अब आपको काम मिलेगा क्योंकि ये गोल्डन एरा है फिल्म इंडस्ट्री का। बराबर। हाँ। अब सबको काम मिलेगा। हाँ। अब अगर आप मथुरा में रहते हैं, गोरखपुर में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, हाँ, मुंबई में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ऑनलाइन, सब जगह ऑनलाइन चल रहा है अभी तो। सब ऑनलाइन चल रहा है, काम मिलेगा। बस खुद की तैयारी करिए, तैयार नहीं होंगे तो काम नहीं। हाँ, बराबर है। तो सर अभी एक्चुअली में तो ये सुशांत सर की डेथ हो गई, उनकी तो कुछ भी हमें मालूम तो नहीं है कैसे हुआ, लेकिन लोग बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का इसमें हाथ है, तो ये बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री बहुत खराब है, हम जाना नहीं चाहेंगे, तो इसके बारे में क्या बोलोगे सर? फिल्म इंडस्ट्री से अच्छी कोई इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में। अच्छा। मैं ये बहुत प्राउडली कह सकता हूँ, एक अकेली इंडस्ट्री है जहाँ पर अगर आप काम के लिए जाते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप पेरेंट्स को ले जा सकते हैं। दूसरी जगह जॉब पे जाएंगे, पेरेंट्स को ले जा पाएंगे? नहीं। फिर इंडस्ट्री कैसे खराब? हाँ हाँ। एक अकेली इंडस्ट्री है, आप कोई भी इंडस्ट्री से आए आपको काम मिलता है। हाँ हाँ, वो तो है। अगर आप कोई दूसरी इंडस्ट्री में जाएंगे और आप दूसरी इंडस्ट्री में, आपको काम मिलेगा? नहीं। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं नेपोटिज्म बहुत चल रहा है। कहाँ नेपोटिज्म? गिनके बताओ। गिनके बताओ। नेपोटिज्म अगर चलता है तो उदय चोपड़ा हमारे सुपर स्टार होते, तुषार कपूर हमारे सुपर स्टार होते, फरदीन खान हमारे सुपर स्टार होते, नवाजुद्दीन का नाम नहीं होता, शाहरुख खान का नहीं, एक भी सुपर स्टार इंडिया में जो हिस्ट्री में हुआ है। हाँ। आउटसाइडर था। बराबर। चाहे वो राजेश खन्ना थे, दिलीप कुमार थे। हाँ। देवानंद थे, अमिताभ बच्चन थे, शाहरुख खान थे, सब आउटसाइडर है। हाँ। कहाँ नेपोटिज्म? हाँ। और अभी जो जितने बड़े फेमस स्टार्स हो गए उनके बेटे भी अभी सक्सेस नहीं कर पा रहे, ऐसा भी है। सोनाक्षी सिन्हा चल गई। हाँ। लेकिन शत्रुघ्न के दोनों बेटे तो नहीं चले। हाँ, वो नेपोटिज्म नहीं चल रहा है। होगा तो भले ही फिल्म इंडस्ट्री से आए, बाहर से आए, अच्छा फर्क नहीं पड़ता। ऋषि कपूर अकेले चले। हाँ। आफ्टर दी राज कपूर, ऋषि कपूर अकेले अकेले, बाकी खानदान में कितने लोग आए, कहाँ हैं वो? नहीं चले, कोई नहीं चला। हाँ। करीना कपूर और करिश्मा चले, बाकी कहाँ गए? नहीं चले, नहीं चले। हाँ। अभिषेक बच्चन को स्ट्रगल करना पड़ रहा है आज की डेट में। हाँ हाँ। आदित्य नारायण को स्ट्रगल करना पड़ रहा है आज की डेट में। हाँ। किसको नहीं करना पड़ रहा है ये सोचना। देखो, अगर आज मान लो आपके फादर ने कोई बिजनेस बनाया, उन्होंने बहुत मेहनत की, बराबर, आज अगर वो चाहते कि मेरा बेटा इस बिजनेस पे कुर्सी पे बैठ जाए तो कोई बुराई है क्या? नहीं। अगर धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को अपनी जगह दे दी, कुछ बुराई है क्या? नहीं नहीं, क्या बुराई है? लेकिन प्रूफ तो ये करेगा कि अनिल अंबानी कहाँ ले जाएगा और मुकेश अंबानी कहाँ। हाँ, हाँ, करेक्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, प्रूफ करना पड़ता है और प्रूफ करना ही पड़ेगा। हाँ। तो सर, और बहुत सारे ऐसे भी यंगस्टर्स होते हैं जिन्हें एक्टिंग में तो नहीं करना है लेकिन कैमरा के पीछे भी काम करना है, जैसे हाँ मतलब आर्ट डायरेक्टर है, डायरेक्शन फील्ड में आना है, कैमरामैन बनना है, तो उसके लिए क्या कोर्सेज ही करने पड़ेंगे उनको या डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में एक ही चीज़ है जैन, बताऊँ। हाँ। आपको अगर काम नहीं आता तो काम नहीं मिलेगा। बराबर। तो उसके लिए मतलब ये सोचना कि मैं बॉलीवुड में चला जाऊं और मुझे काम मिल जाएगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। हाँ। काम मिलेगा, आपको काम आना चाहिए। बराबर। अब अच्छी बात है कि जॉइंट फिल्म्स के ऑनलाइन कोर्सेज हर फील्ड में अवेलेबल है। बराबर। तो आप पहले बेसिक सीखें, आए काम जरूर मिलेगा। आज जॉइंट फिल्म्स बहुत प्राउडली ये कह सकता है कि सारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं। ओके। तो मतलब आपके पास ये भी कोर्सेज अवेलेबल है डायरेक्शन फील्ड के, आर्ट डायरेक्टर सब, तो ये सब आपके वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे कोर्सेज? अवेलेबल है, ऐप पे अवेलेबल। ओके। तो इनकी फीस के बारे में बता सकते हो सर? मेरी कोई भी फीस 1 लाख के ऊपर नहीं है। ओह, अच्छा अच्छा, है ना। हाँ हाँ। एडिटिंग का जो प्रैक्टिकल कोर्स है, जैसे मैंने फिल्म मेकिंग में बताया, हाँ, एडिटिंग में आज तक हमने सिर्फ 7 स्टूडेंट को ट्रेन किया है। हाँ। और लकीली उन्होंने भी कोर्स कम्प्लीट नहीं किया। अच्छा। पहले वो प्लेसमेंट मिल गया। हाँ हाँ, बराबर। तो सर थैंक यू वेरी मच, इतनी सारी आपने अच्छी नॉलेज दी मेरे व्यूअर्स को और मुझे भी। तो आई होप आप लोग भी देखकर ये नॉलेज को गेन करोगे गाइस, और हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए ये इंटरव्यू गाइस। सो सर थैंक यू वेरी मच चैनल में आने के लिए, और थैंक यू वेरी मच सर आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए मुझे। थैंक यू। आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, आपके लिए कुछ भी। मुझे अच्छा लगता है जब सर इस तरह से काम करते हैं। हाँ। आप भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ। अपने चैनल के माध्यम से कि
नहीं काम किया जा सकता। हाँ। आज हम लोग कितनी ताकत लगा देते हैं और आप एक मोबाइल पे देखे कितनी हाँ। इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो आप, उसके लिए मेहनत तो करते हो। हाँ, सब लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो। हाँ। आप उसके लिए एफर्ट डाल रहे हो। हाँ। अप्रोच कर रहे हो। बराबर। ऐसे ही दोस्तों जो भी आप जैनल को देखते हैं आप प्लीज हार मत मानिए लाइफ में। हाँ। मेहनत कीजिए। हाँ। और एक्शन लीजिए। हाँ, चाहे कोई भी फील्ड हो, नहीं लेना भी एक बहुत बड़ा और बहुत बुरा डिसीजन है। करेक्ट। अगर आपने डिसीजन लिया कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो ये डिसीजन है, इसके साथ एक्शन प्लान लगेगा। हाँ। लेकिन अगर ये डिसीजन नहीं लिया तो एक्चुअली आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको सक्सेसफुल लाइफ में नहीं होना। करेक्ट। इस दौर से अच्छा दौर नहीं मिलेगा। हाँ। सब कुछ कर सकते हो आप। हाँ। आपके पास मोबाइल है इसका मतलब दुनिया है। अब डिपेंड इन पे करता है। हाँ, कैसे वो काम लेंगे, यूज करूं या फिर और कुछ काम करें, या फिर उसमें कुछ क्रिएटिव निकाल के अर्न करना शुरू करूं। हाँ, करें। जैसे आज लाइफ में सक्सेसफुल जनरल है, ऐसे में आप सबको विश करूंगा कि इनकी ऑडियंस भी इसी तरह से लाइफ में हाँ। बहुत आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सो गाइज, यहाँ पर जॉइन फिल्म्स का क्लासरूम है, मैं आपको क्लासरूम का भी एक लुक देता हूँ और अंदर कैसे सभी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, मैंने आपको जॉइन फिल्म्स एकेडमी भी दिखाई, वीरेंद्र सर से भी मिलवाया मैंने आपको, और उन्होंने आपको बहुत सारे टिप्स भी दी, गाइडेंस भी दी हमें सब इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप जॉइन फिल्म्स को ज्वाइन करना चाहते हो, इनके कोर्सेज की सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है गाइज, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो सभी, और फीस के बारे में भी चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए जॉइन फिल्म्स के रिलेटेड या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड, ज्वाइन करना है इनको, तो ये टोल फ्री नंबर है गाइज इनका, तो ये आप डायरेक्टली कॉल करके इनको बात भी कर सकते हो यहाँ पर। So bus guys, thank you very much for watching this video. If you enjoyed this video, do hit the like button and don't forget to subscribe to my channel and also click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness to whatever you want to do, but don't do the wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.